ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनएन न्यूज उत्तराखंड में और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका रॉय। खबर हरिद्वार से आ रही है जहाँ एक महिला के साथ छेड़खानी करने पर बीच बाजार में युवक की चप्पलों से पिटाई की जा रही है। जी हाँ, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आइए दिखाते हैं आपको ये वायरल वीडियो। हरिद्वार के जिला महिला हॉस्पिटल के बाहर सरेआम महिला से छेड़खानी करने पर युवक को महिला ने चप्पलों से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला का आरोप था कि उस युवक ने गलत इरादे से छुआ है और उसे पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा है। छेड़खानी से नाराज महिला ने बीच बाजार में युवक की चप्पलों से पिटाई की। वीडियो में युवक माफी मांगते हुए भी नजर आ रहा है। फिलहाल युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है जहां नशेड़ी कहकर चिढ़ाने वाले एक दोस्त की दोस्त ने निर्मम हत्या कर दी। आइए दिखाते हैं आपको काशीपुर से हमारी ये रिपोर्ट। नशेड़ी कहकर बदनाम करने से चिढ़कर एक दोस्त ने दोस्त के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से विशाल की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। आईटीआई थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने पत्रकारों को बताया कि धीमर खेड़ा निवासी 21 वर्षीय विशाल कुमार पुत्र राजकुमार बीती 18 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। विशाल के परिजनों ने आईटीआई थाने में विशाल के लापता होने की तहरीर देते हुए बताया था कि विशाल के दो दोस्तों ने उसे फोन कर बुलाया था, उसके बाद से विशाल अपने घर ही नहीं लौटा है। दिनांक 19 नवंबर को वादी मुकदमा श्री राजकुमार जो कि धीमर खड़ा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना आईटीआई पर एक जुगनूसूदी दर्ज कराई गई थी। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनका पुत्र है विशाल कुमार, जिसकी एज 21 साल के आसपास है, जो 18 तारीख से गायब है। पुलिस के द्वारा इसमें जो तत्काल जुगनूसूदी दर्ज की गई और अपनी विभिन्न टीमें बनाकर उसकी ढूंढ खोज की कोशिश की गई। इसमें हमारे द्वारा जो एसओजी को भी लगाया गया, उसकी जो मृतक विशाल जो गुमशुदा था तो उसकी सीडीआर का भी विश्लेषण किया गया, कॉल डिटेल निकाली गई, इनके परिजनों से भी पूछताछ की गई, वो किसके साथ उठता बैठता था उनसे भी जानकारी इस विषय में की गई। खबर चमोली से है जहां सूबे मंत्री के अभाव में मनाया 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव। आइए दिखाते हैं आपको चमोली से हमारी ये रिपोर्ट। जनपद चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ में वीसी दरवान सिंह नेगी के पैतृक गाँव कफार तीर में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति और पुरस्कार वितरण के साथ शानदार समापन हो गया है। शौर्य महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन चौपता बेथरा लोदला की महिलाओं ने शानदार नंदा देवी राजजात की झांकी निकालकर महोत्सव को नंदामय बना दिया। इस पर पंडाल में सभी महिला पुरुष नाचने लगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सिलसिले में चौपता की महिलाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शौर्य महोत्सव इस बार 2021 में हुआ और हमने सरकार से कल की थी वो हो नहीं पाई है, इस वजह से ये मेला बहुत फीका चल रहा है। काफ़ी इसमें स्टॉल नहीं लगे, काफ़ी इसमें सुविधाएँ नहीं थी, तो स्टॉल आप देख रहे हैं पूरे के पूरे खाली हैं। पिछली बार हमारी सेना यहाँ पर आई हुई थी, उनकी कैंटीन थी, मेडिकल सुविधा थी, सारा कुछ था। मुख्यमंत्री महोदय आए थे। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पर जो भीसी दरवान सिंह मेमोरियल यहाँ पर एक मेला हो रहा है, महोत्सव हो रहा है और इसका अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। ये पहली बार सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले 2019 में यहाँ पर जनता के द्वारा एक बहुत भव्य आयोजन किया गया था और भीसी दरवान सिंह जी को सच्ची लेने गए। और सबसे पहले तो मैं शौर्य महोत्सव समिति के जो पदाधिकारी हैं, महिला मंगल दल जो सदस्य
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम को आगे चलाया। विगत 3 सालों से, पिछले साल तो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया है। मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि ये महोत्सव आगे जाके भव्य बने। बहुत सारी इसमें आगे सुविधाएँ होनी बाकी हैं, जैसे प्रिंट भी देख रहे हो, पिछले साल तो ये प्रिंट थोड़ा छोटा था, इस बार तो बहुत बड़ा बन गया है। खबर उत्तराखंड के बहादुराबाद से है, जहां संविधान दिवस के उपलक्ष्य में फार्म हाउस में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संविधान की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम रहे। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ साथ महिलाओं को भी अम्बेडकर ने संविधान में समानता का अधिकार दिलाया है। अंबेडकर किसी जाति धर्म से नहीं थे, उन्होंने देश की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया है। जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्राह्मण विरोधी करार देते हैं, वे सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। अंबेडकर को जाति और धर्म में बांटना सरासर गलत है। और अंबेडकर रत्न से एक सम्मानित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि जी को, आदरणीय इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक और गुच्छा पुष्प और एक। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएन न्यूज उत्तराखंड। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड।